हेलो क्लास, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? लाजवाब फर्स्ट क्लास। तो दोस्तों, होप आपने पहली जो क्लास है नेशनल इनकम के वन मार्क क्वेश्चंस की, वो आपने देखी होगी। उसमें कोई डाउट, कोई क्वेरी आपके सामने आते हैं तो डेफिनेटली आप उसको पूछ सकते हैं। एंड अब आज हम नेक्स्ट टॉपिक पर आ गए हैं, और मनी एंड बैंकिंग से पहले मैंने इनकम डिटर्मिनेशन, जिसकी वेटेज ज्यादा है एग्जाम में, उसके वन मार्कर पहले रिकॉर्ड करे हैं, उसके बाद हम मनी बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट पर जाएंगे। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट करें, जो क्वेश्चन का सेट है वो नीचे लिंक में गिवन है, आप वहां से डाउनलोड करें। 20 क्वेश्चंस हैं, आज इसको हम यहां पर कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट करिए चलिए क्वेश्चंस पर आते हैं। कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, किस तरह से अटेम्प्ट करना है उसको लेकर भी हम डिस्कशन करेंगे। ओके, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है, एट द ब्रेक इवन पॉइंट कंजम्पशन कर्व डैश द 45 डिग्री लाइन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर वन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज इसमें ब्रेक इवन पॉइंट की बात करी गई है। ब्रेक इवन पॉइंट पर हम जानते हैं ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। ब्रेक इवन पॉइंट जब पर्टिकुलर सेविंग्स हमारी जीरो होती हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि कंजम्पशन और इनकम लेवल हमारा बराबर होता है, कंजम्पशन और इनकम लेवल बराबर होता है। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी बताया हुआ है कि एक तो कंजम्पशन कर्व है, इसको साफ साफ बताया है। दूसरा है आपका वाई, वाई दोस्तों होती है हमारी 45 डिग्री लाइन, जो बिल्कुल एएस के प्रोपोर्शनेट होती है। एएस कर्व और वाई कर्व, एग्रीगेट सप्लाई कर्व और इनकम कर्व दोनों सेम होते हैं। तो क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट पर कंजम्पशन और इनकम दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये आपका एएस कर्व, ये आपका कंजम्पशन कर्व, दोनों ब्रेक इवन पॉइंट पर बराबर होते हैं, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, तो जो पहले क्वेश्चन है हमारा, उसमें हमारा आंसर होगा, एट ब्रेक इवन पॉइंट कंजम्पशन कर्व इंटरसेक्ट दी 45 डिग्री लाइन। इंटरसेक्ट की जगह आप क्रॉस वर्ड जो है वो भी यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द मिनिमम, सेकंड पॉइंट, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज डैश। सेकंड में आपको मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर बतानी है। ओके, मल्टीप्लायर का बेसिक फॉर्मूला होता है 1/1 - MPC, 1/MPS से भी कर सकते हैं। ओके, अब जो मिनिमम वैल्यू अगर मैं बात करूं एमपीसी की, वो जीरो मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? जीरो। मिनिमम वैल्यू एमपीसी की जीरो होती है, तो ऑब्वियसली इट इज 1/1, तो हमारा आंसर हुआ 1। हमारा आंसर क्या हुआ? 1। ओके, क्योंकि एमपीसी और मल्टीप्लायर में डायरेक्ट रिलेशन होता है, ये हम जानते हैं। एमपीसी बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर बढ़ेगा, एमपीसी कम होता है तो मल्टीप्लायर कम होता है। तो इसीलिए, क्योंकि मुझे मिनिमम सबसे कम वैल्यू बतानी है, तो मैंने एमपीसी की सबसे कम वैल्यू ली जीरो, उसको पुट किया, और ऑब्वियसली यहां पर 1/1, तो हमारा आंसर जो हुआ, द मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज 1 होगा। ओके, थर्ड पॉइंट पर आते हैं, थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ओके, सेविंग आपको दी हुई है यहाँ पे 2000, इफ सेविंग्स आर 2000 एंड इनकम इज 5000, एपीएस इज 0.2। ओके, थर्ड क्वेश्चन, एपीएस के बारे में हमसे पूछा गया। एपीएस का फॉर्मूला होता है S/Y, सिंपली सेविंग अपॉन इनकम। क्वेश्चन में सेविंग हमें दी हुई है 2000, इनकम है 5000, आपने इसको सॉल्व करा, इट कम्स टू 0.4। कितना जाता है? 0.4। हमें बोला गया यहां पे कि एपीएस 0.2 है, तो डेफिनेटली जो आंसर है हमारा वो हो जाएगा आपका फॉल्स, के फॉल्स आप यहां पे एपीएस आपका 0.2 नहीं है, एपीएस आपका 0.4 है। हाँ, इसको लिखना कैसे है? पहले दो तो हमारे सिंपल थे, फिल इन द ब्लैंक्स थे, उसमें भर सकते हैं। यहां पे कैसे लिखेंगे? तो ऑब्वियसली यहां पर आपका आंसर होगा पहले फॉल्स, सिंस एपीएस इज इक्वल्स टू S/Y एंड S इज इक्वल्स टू 2000 एंड Y इज इक्वल्स टू 5000, देयरफोर APS इज S/Y 2000 डिवाइडेड बाय 5000 इज इक्वल्स टू 0.4। ओके, तो ये प्रेजेंटेशन रखनी जरूरी है, आंसर को प्रॉपरली प्रेजेंट करना भी ज्यादा जरूरी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ डैश कैन बी ग्रेटर देन 1। ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है वैसे तो उसका, लेकिन इसमें कई सारे जो कंसेप्ट हैं वो कवर हो जाते हैं। ओके, द वैल्यू ऑफ डैश कैन बी ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, नेगेटिव, जीरो से लेकर 1। ओके, जो ये पर्टिकुलर चैप्टर है,
इसमें इस तरह के डिस्कशन, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाँ जी मैं बाकी कंसेप्ट भी बता रहा हूं, इसमें इस तरह की डिस्कशन एपीसी, एपीएस, एमपीसी और एमपीएस, ओके, इसके बीच में आती है। नॉर्मली क्वेश्चन इन चारों से पूछा जाता है कि कौन वन से ज्यादा हो सकता है, कौन नेगेटिव हो सकता है, कौन आपका वन और जीरो के बीच में आता है, वगैरह वगैरह। ये चार पॉइंट होते हैं। इन चारों को बिना किसी कंफ्यूजन से डिफरेंटली क्लासिफाई करने का सिंपल सा तरीका यह है कि पहली बात यहां पर अगर मैं बात करूं दोनों एम की, एमपीसी एंड एमपीएस, याद रखिएगा दोस्तों एमपीसी और एमपीएस हमेशा जीरो से वन के बीच में आएंगे। दोनों की प्रॉपर्टी ये होती है कि एमपीसी और एमपीएस जीरो से वन के बीच में आएंगे, ओके। इसके अलावा अगर मैं एपीसी की बात करूं और एपीएस की बात करूं, दोनों के दो मेन फीचर्स, एपीसी आपका वन से ज्यादा हो सकता है, एपीसी आपका वन से ज्यादा हो सकता है व्हेन व्हेन कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। अगर हम कंजम्पशन फंक्शन को पढ़ें तो उसमें हम जानते हैं कि इन द अर्ली स्टेज ऑफ इनकम, ऑब्वियसली ब्रेक इवन पॉइंट से पहले, ब्रेक इवन पॉइंट से पहले जो आपका कंजम्पशन है वो इनकम लाइन से, आपका इनकम से ज्यादा होता है, तो उस सिचुएशन में जब आप, कहां गया हमारा फॉर्मूला, यहां पे नहीं लिखा था हमने, सेविंग अपॉन इनकम, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे एपीसी, तो डेफिनेटली ये आपका एक से ज्यादा आएगा, ओके। तो एक पहला फंक्शन जो एपीसी का होता है वो ये कि ये एक से ज्यादा होता है इन अर्ली स्टेज, जब कंजम्पशन इनकम से ज्यादा होगा, ठीक है। ऑब्वियसली ये कब की बात कर रहा है, बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट से पहले की बात हो रही है, ओके। और इसके अलावा इसका एक और मेन फीचर है कि ये आपका ऑलवेज फॉल्स, ये हमेशा गिरता है क्योंकि कंजम्पशन का रेट इनकम से कम होता है, ओके। दूसरी तरफ एपीएस का जो मेन फंक्शन है वो ये, कैन बी नेगेटिव, ये नेगेटिव हो सकता है, और ये भी कब, जब कंजम्पशन इनकम से ज्यादा होगा, यानी कि सेविंग नेगेटिव होंगी, और ऑब्वियसली ये भी सेम है, बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट की बात कर रहा है ये भी, ठीक है। तो चारों को प्रॉपरली क्लासिफाई आप कर सकते हैं, ये हमेशा जीरो से वन, एपीसी कैन बी ग्रेटर देन वन, एपीएस कैन बी नेगेटिव, ओके। यहां पर हमसे क्वेश्चन में फोर्थ पर वापस आ रहे हैं कंसेप्ट के बाद, हमें यहां पर पूछा गया द वैल्यू ऑफ डैश कैन बी ग्रेटर देन वन, तो बिल्कुल स्पेसिफिक है वो एपीसी है जिसकी वैल्यू एक से ज्यादा हो सकती है, ऑब्वियसली ब्रेक इवन पॉइंट से पहले, लेकिन वो हमें नहीं लिखना क्योंकि ये आपका सिंपली एक फिल इन द ब्लैंक्स है, तो हम आंसर देंगे एपीसी, दैट्स इट, ओके। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। ऑप्शंस को देखकर हमें लग रहा है कि सारे जो ऑप्शंस हैं सिमिलर हैं यहां पर, और जो साइन है उसका डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो जैसा कि कह रहा है कि तीनों पॉइंट इन्फ्लेशनरी गैप के हैं, ओके। एडी इज लेस देन एएस एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, एडी इज इक्वल्स टू एएस, सॉरी एडी इज ग्रेटर देन एएस एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, एक पे इक्वल बता दिया और एक बताया गया नन ऑफ दीज, ओके। आइए मैं प्लीज इसका कंसेप्ट बताना चाहूंगा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर से पहले, जो हमें ऑब्जर्व करके आसानी से फटाफट आना चाहिए, ठीक है। दोस्तों देखो, इस पर्टिकुलर यूनिट में ना, इस पर्टिकुलर यूनिट में हमारे इनकम डिटरमिनेशन में दो डिफरेंट टॉपिक्स हैं। एक टॉपिक है हमारा इक्विलिब्रियम वाला, एक टॉपिक क्या, इक्विलिब्रियम वाला, जिसमें AD is equal to AS, I is equal to S हम अप्लाई करते हैं, और उसके बाद आता है डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड, ओके, डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जब भी हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, सिंपल इक्विलिब्रियम डिटरमिनेशन की बात कर रहे हैं कि हम यहां पर AD is equal to AS जब होता है तब इक्विलिब्रियम हो जाता है, I is equal to S होता है तब इक्विलिब्रियम हो जाता है, ओके। लेकिन दोस्तों जब भी हम ये वाला कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, जब भी हम खाली इक्विलिब्रियम चैप्टर की बात कर रहे हैं, देयर इज, ध्यान रखिएगा, नो डिस्कशन अबाउट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। जब भी हम सिंपल इक्विलिब्रियम चैप्टर की बात करेंगे उसमें फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की कोई चर्चा नहीं होगी, कोई डिस्कशन नहीं होगी। हां,
जब हमें पता लगाना है कि इकोनॉमी में डिमांड का लेवल ज्यादा है या डिमांड का लेवल कम है, उस कंडीशन में, उस परिस्थिति में, उस केस में, यहां पर हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वर्ड का यूज करते हैं. ओके, इक्विलिब्रियम चैप्टर में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई रोल नहीं है. ओके, हाँ, बस ये है जब न्यूमेरिकल करेंगे तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक पहुंचना है, कितनी इन्वेस्टमेंट करें, वो न्यूमेरिकल में आएगा. थ्योरेटिकल इसका मतलब नहीं है. थ्योरेटिकल इसका मतलब सीधा सा ये है कि ये आपका एग्रीगेट सप्लाई, ये आपका एग्रीगेट डिमांड, ये इक्विलिब्रियम हो गया, दैट्स इट, दैट्स ऑल. बट ये वाला कंसेप्ट क्या आता है, ये वाला कंसेप्ट क्या आता है, ये वाला कंसेप्ट कहता है, आपने बोल तो दिया कि व्हेन AD इज इक्वल्स टू AS देन इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइन. इसको सपोज मैं M मान रहा हूं. ओके, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के बराबर कहां पर होने चाहिए, तो होने चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर. दैट इज एग्रीगेट सप्लाई, दैट इज एग्रीगेट डिमांड, एंड बोथ मस्ट बी इक्वल्स टू ईच अदर एट F. F मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. ओके, ये तो सिंपली कहीं पर भी बराबर हो गए, दैट इज इक्विलिब्रियम. AD इज इक्वल टू AS कहीं पर भी, दैट इज इक्विलिब्रियम. बट वॉट इज द आइडियल पॉइंट फॉर इक्विलिब्रियम, वो दोस्तों फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है, वो यहां पर होता है. तो इसीलिए जब भी हमें फुल एम्प्लॉयमेंट वर्ड यहां पर नजर आ जाए, ओके, तो सीधे से मतलब ये है कि ये डिफिशिएंट डिमांड, एक्सेस डिमांड, इन सब की चर्चा कर रहा है, भले यहां पर इन्फ्लेशनरी गैप ना भी लिखा होता. ओके, सो अब हमारे लिए क्या होता है यहां पे डिफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड में, मैं दोनों बता दूं पहले, कि जो एक आइडियल सिचुएशन है, उसमें एग्रीगेट डिमांड कम रह जाती है डिफिशिएंट डिमांड के केस में. तो इक्विलिब्रियम कहां पर बन गया, पहले बन गया, यानी कि यू पर बन गया. यू मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल. और इन्फ्लेशनरी गैप में या एक्सेस डिमांड में डिमांड का लेवल ज्यादा हो गया, एडी इन केस ऑफ ईडी, और ये हो जाता है ओ, यानी कि ओवर एम्प्लॉयमेंट. ओके, तो हमें यहां पर फुल इन्फ्लेशनरी गैप साफ साफ बता दिया, एक्सेस डिमांड यानी कि डिमांड ज्यादा है, और फुल एम्प्लॉयमेंट पर क्या होता है, तो इन्फ्लेशनरी गैप की डेफिनेशन ही यही है, एक्सेस डिमांड की डेफिनेशन ही यही है कि इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू, ध्यान से सुनिएगा प्लीज वाली लाइन, इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई. एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई बट नॉट एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, एट ओवर एम्प्लॉयमेंट लेवल. दोनों बराबर होते हैं लेकिन आगे जाकर. तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर क्या होता है भाई, जरा ये बताओ. तो यस, एग्जैक्टली दोस्तों, एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एक्सेस डिमांड का लेवल एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होता है. सो योर आंसर इज बी, इन केस ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप, बी इज द आंसर. एडी इज ग्रेटर देन AS एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम. ओके, जो ये सिंपल सा कंसेप्ट था दोनों का कंपेरिजन, इसमें मैं एक क्लास और लेकर आने वाला हूं जो क्वेश्चन काफी ज्यादा कंफ्यूज करता है कि प्लांट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू प्लांट सेविंग या नॉट इक्वल्स टू प्लांट सेविंग, AD इज नॉट इक्वल्स टू प्लांट एग्रीगेट सप्लाई. वो हम अगली क्लास में इसको रिकॉर्ड करने वाले हैं, तो आपको वीडियो मिलेगी. वो क्वेश्चन भी काफी ज्यादा परेशान करता है. ओके, तो उसका लिखने का पैटर्न वगैरह हम पूरा का पूरा सीखेंगे. फिलहाल इसमें ये पॉइंट याद रखिएगा, व्हेन वी आर जस्ट डिटरमाइनिंग अ सिंपल इक्विलिब्रियम, इनकम डिटरमिनेशन कर रहे हैं, तो फुल एम्प्लॉयमेंट का कोई कंसेप्ट नहीं होता. फुल एम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट हमारा डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड को मेजर करने के लिए होता है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट. ओके, सिंपल है क्वेश्चन, अब इसको कर लेते हैं. इसमें बस एक मैं आपको थोड़ा सा बस बताना चाहता हूं कि एग्जाम में इस चीज पर क्या ध्यान रखेंगे. वो बचपन से आदत है हमें कि जब भी हमें दो कॉलम नजर आते हैं तो उसमें हम मैच करना शुरू कर देते हैं, कौन सा कॉलम कौन सा बढ़िया है, किससे मैच कर रहा है, वगैरह वगैरह. ओके, और अभी ऐसा कुछ बच्चों के मैंने टेस्ट वगैरह लिए थे तब भी ये प्रॉब्लम आई थी. ठीक है, वो कॉलम दिखते ही हमें हमारे दिमाग में मैच द फॉलोइंग आ जाता है, बट यहां पर ऐसा नहीं है. ठीक है, हाँ, मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है आपका, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहां पर क्या पूछ रहा है कि कॉलम वन में ए पॉइंट के सामने क्या लिखा हुआ है, बी के सामने क्या लिखा हुआ है, कंपेयर करना है,
और उसमें से करेक्ट पेयर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैच वैच का चक्कर नहीं है, ओके, कि मैच द फॉलोइंग नहीं है, ओके। यहाँ पे जस्ट हमें जस्ट देखना है सामने जो लिखा हुआ है वो सही है या गलत है, ओके। फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं, कॉलम वन। एट ब्रेक इवन पॉइंट, एट ब्रेक इवन पॉइंट इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू नेशनल इनकम, ये बिल्कुल गलत हो गया। अभी हमने डिस्कस करा था कि ब्रेक इवन पॉइंट पे कंजम्पशन और इनकम बराबर होते हैं, इन्वेस्टमेंट और नेशनल इनकम बराबर नहीं होते, इनकम बराबर नहीं होते। आगे बढ़ते हैं, बी पॉइंट। इफ एमपीसी इज इक्वल्स टू वन, अगर एमपीसी वन है तो वैल्यू ऑफ के इज इंफिनिटी, हमें नहीं पता, करके देखते हैं। के इज इक्वल्स टू वन अपॉन वन माइनस एमपीसी होता है, बिल्कुल। वन अपॉन वन माइनस वन कर दिया, बिल्कुल, तो सर यह आता है वन अपॉन जीरो, वन अपॉन जीरो। एंड यस, अगर वन अपॉन जीरो है तो उसको इन्फिनिटी कहा जाता है, उसको इन्फिनिटी कहा जाता है। हाँ, अगर जीरो अपॉन वन होता है तो वो जीरो होता है, किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करें दैट इज इन्फिनिटी। सो द थिंग इज, द कंसेप्ट इज, यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो बिल्कुल बी पॉइंट हमारा करेक्ट हो जाता है। हाँ, नॉलेज के लिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे एक बार पढ़ लेते हैं कि वैल्यू ऑफ एडी डिपेंड्स अपॉन इन्वेस्टमेंट, दिस इज हाफ करेक्ट, ठीक है। ये कंजम्पशन पर भी डिपेंड होता है, एड इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, सी प्लस आई होता है, तो डेफिनेटली खाली इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड नहीं बोल सकते हैं। और वैसे इन्वेस्टमेंट इंडिपेंडेंट होता है बाकी अदर फैक्टर्स से, ठीक है। खैर, कंजम्पशन नहीं है, ये सही नहीं बैठ रहा। कंजम्पशन इन द इकॉनमी, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, ग्रेटर देन वाई, नहीं, सी इज ग्रेटर देन वाई बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट, उसके बाद कम हो जाता है। तो यस, जो हमने पहले चुनाव करा था, जो पहले सेलेक्ट करा था, पॉइंट बी इज द करेक्ट, ओके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सेवंथ पॉइंट। एमपीसी इज टू एमपीएस इज 3:1 रेशो दे दी गई है हमें। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करके बतानी है, तो बता देते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसमें ज्यादा मैथ्स नहीं लगानी दोस्तों, अकाउंटेंसी वाला रूल लगाइएगा जो पार्टनरशिप में आप लगाते हैं। दैट इज व्हाट, के एमपीसी इज टू एमपीएस, एमपीसी इज टू एमपीएस, ओके, ये आ गया, ये बोला गया है 3:1, 3:1 ही बोला है ना, हाँ जी। तो एक्स, ये एक्स वो कुछ मानने की जरूरत नहीं है, ये टोटल है 4, सो 3/4 1/4, तो एमपीसी आपका हो जाता है 3/4 यानी कि 0.5, काम इसी से बन जाएगा, लेकिन मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं। तो एमपीएस 1/4 हो गया यानी कि 0.25। एज अ रिजल्ट देयरफॉर, तो कोई भी फॉर्मूला लगा दो, एमपीएस का लगा दो, चलो 1/0.25, योर आंसर विल बी 4। आपका आंसर क्या आ गया, यहां पे 4 आ गया। आगे बढ़ते हैं, एट्थ पॉइंट। इफ एमपीसी इज ग्रेटर देन एमपीएस द वैल्यू ऑफ के विल बी, ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अभी रिसेंटली कई बच्चों के मैंने इसमें अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू देखे, अलग अलग डिस्कशन हुई, ठीक है। हाँ, वो बात अलग है, जब क्लियर हो जाता है तब तो हमें इसका आंसर बिल्कुल सीधा सीधा पता है। अगर सर, अगर हम बात करते हैं कि एमपीसी और एमपीएस वो दोनों वन होते हैं, उन दोनों का सम क्या होता है, वन होता है, ओके। तो अगर मैं बात करूं कि अगर एमपीसी इक्वल्स टू एमपीएस है तो इसका मतलब दोनों की वैल्यू 0.5 होगी, ओके, व्हेन बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल है, 0.5 है। लेकिन ये कह रहा है क्वेश्चन के हिसाब से कि एमपीसी इज ग्रेटर देन एमपीएस, तो सर मैंने एज्यूम कर लिया कि 0.6 हो गया मेरा एमपीसी और देयरफॉर 0.4 हो गया एमपीएस। मैंने मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगाया 1/ एमपीएस, एमपीएस या एमपीसी कोई भी फॉर्मूला यूज करिए, मैंने पुट करा 0.4 एंड माय आंसर इज 0.25, ओके। तो मैंने लिख दिया कि 0.25 से ज्यादा होगा। दोस्तों, ये आपका बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, इस तरह से नहीं करना है। कुछ बच्चों ने अटेम्प्ट किया था ऐसा क्वेश्चन, इसलिए फिर इसको हमने थोड़ा प्रेफरेंस दी कि एक बार ये बताना जरूरी है। कैसे, ध्यान दीजिए, इसमें, इस वाले क्वेश्चन में, इसके सॉल्यूशन में, जब एमपीसी और एमपीएस दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, उस पे के की वैल्यू निकालो। ऑल दो आपको पता होगा कि जब दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं तो के की वैल्यू आ जाती है 2, के की वैल्यू आ जाती है 2, ओके। दूसरा,
अब अगर एमपीसी बढ़कर 0.51 हो जाए, 0.51 हो जाए और एमपीएस कम होकर 0.49 हो जाए, एमपीसी कम होकर 0.49 हो जाए, ओके, तो हम ये जानते हैं, कि एमपीसी और मल्टीप्लायर में पॉजिटिव रिलेशन होता है, ठीक है, दोनों डायरेक्टली रिलेटेड है। जबकि एमपीएस कम हो रहा है तो मतलब के आपका इंक्रीज होगा, इनमें नेगेटिव रिलेशन होता है। तो जायज है, अगर एमपीसी बढ़ गया, 0.51 हो गया, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी 2 से बढ़कर कुछ हो जाएगी, इधर इट इज 2.1 और 2.22 व्हाटएवर, ओके, बढ़ जाएगी। तो सिंपल सी बात यहां पर हुई कि जब दोनों बराबर थे, तो टू आंसर था। जैसे ही एमपीसी बढ़ेगा 0.51, एमपीसी का एमपीएस का लेवल क्रॉस करेगा, उसकी वैल्यू 2 से बढ़ने लग जाएगी और फिर बढ़ती चली जाएगी, ओके। तो आंसर 2.5 नहीं है, आंसर 2 है। बच्चों का इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, सर 2.5 ज्यादा ही तो आ रही है तो वो क्यों नहीं भर सकते? नहीं दोस्तों, आपसे पूछा गया है वैल्यू ऑफ के विल बी क्या होगी, ठीक है, तो वो 2.5 नहीं है एग्जैक्टली, आपका जो इसमें आंसर बनेगा वो बनेगा यस एग्जैक्टली, ग्रेटर देन बोला हुआ है, नहीं बोला हुआ, द वैल्यू ऑफ के विल बी, पूरा लिखना पड़ेगा आपको, ग्रेटर देन 2, क्योंकि जब दोनों बराबर होते हैं तब 2 है, उसके बाद तो वैल्यू मल्टीप्लायर की बढ़ेगी एमपीएस के बढ़ने के बाद, ओके। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एमपीएस एंड के, ये क्वेश्चन मार्क आ गया और ये इसमें ट्रू फॉल्स बताना, सॉरी इसको करेक्ट कर लीजिएगा। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एमपीएस एंड के, तो हमारा इसका आंसर बनता है यस एग्जैक्टली, कौन सा क्वेश्चन हुआ है हमारा, नाइन्थ क्वेश्चन, के यस इनवर्स रिलेशनशिप होती है विद राइज इन वैल्यू ऑफ एमपीएस के फॉल्स, मल्टीप्लायर फॉल होता है, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल चाहे तो ऐड कर सकते हैं दो वैल्यूज के साथ, ओके। इफ द प्लांट सेविंग आर ग्रेटर देन प्लांट इन्वेस्टमेंट स्टॉक विल बी, ओके, ये वही क्वेश्चन के स्टॉक का क्या होगा, और मैंने बोला एक क्लास हम इसकी बनाने वाले हैं, ओके, लेकिन फिलहाल अभी चलो उसको रोक देते हैं, इस वाले क्वेश्चन को, इसको मैं टेंथ को होल्ड पर ही रख रहा हूं और इसको हम अभी एक क्लास और रिकॉर्ड करेंगे जिसमें इस वाले क्वेश्चन की चर्चा पूरी तरीके से करी जाएगी, क्योंकि एग्जाम में आने के इस क्वेश्चन के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, ओके, इसको टेंथ वाले को होल्ड पे रख देते हैं, इलेवंथ पे आ जाते हैं। इफ सी इज इक्वल्स टू इतना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑटोनॉमस सेविंग एंड एमपीएस, बिल्कुल ठीक है, इलेवंथ क्वेश्चन में हमें कंजम्पशन फंक्शन दिया, दैट इज 50 प्लस 0.7y, ठीक है, हम जानते हैं अगर ये कंजम्पशन फंक्शन है तो ये जो 50 है ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है और ये एमपीसी होता है, क्योंकि ये कंजम्पशन फंक्शन है। देयरफोर अगर आपसे ऑटोनॉमस सेविंग पूछी गई है तो वो रिवर्स होता है कंजम्पशन का, यानी कि -50, ठीक है, जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है उसमें माइनस का साइन लग जाता है, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जितना कंजम्पशन है उतनी ही सेविंग है नेगेटिव में, और जो एमपीएस है वो हो जाएगा 1 माइनस एमपीसी, यानी कि 0.7, सो इट इज 0.3, सिंपल सा कंसेप्ट, ओके। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, 12th में फुल एम्प्लॉयमेंट इंप्लाइज एब्सेंस ऑफ इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ट्रू या फॉल्स, हमें ये बताना है, ओके। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्कशन वाला, इसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, ओके, फुल एम्प्लॉयमेंट में दोस्तों जब भी हम डिस्कशन कर रहे हैं तो मतलब ये कि इकोनॉमी के जितने भी रिसोर्सेज हैं, वो एक प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर वेज रेट पर, लेबर रेट पर उनको काम मिला हुआ है, दे आर विलिंग टू वर्क एंड दे आर गेटिंग वर्क, दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट, ओके। तो जब भी मैं फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करता हूं, तो इसको मुझे दो चीजों के साथ कंपेयर करना जरूरी है, ओके, दो चीजें जो डिस्कशन की होती हैं, एक होता है
वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, और दूसरा होता है इनवॉलेंट्री इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब अपनी मर्जी से, भाई मैं काम करने में सक्षम हूं, काम कर सकता हूं, मेरे पे एफिशिएंसी है, बट मैं काम ही नहीं करना चाहता, ठीक है, मुझे जॉब नहीं चाहिए, मैं घर पे बैठ के शांति से बस अपना टीवी देखना चाहता हूं, दैट्स इट। तो उसे बोलते हैं वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयड है, ओके। और इनवॉलेंट्री ऑब्वियसली उसका ऑपोजिट हो गया, भाई काम तो करना चाहता पर भाई को काम नहीं मिल रहा, ओके। सो सपोज देयर इज 100 पीपल इन द इकोनॉमी, 100 पीपल जो है वो है, इसमें से 10 माइनस कर दो, -10 पीपल, ये कौन है? ये वीई है, वॉलेंट्री, सॉरी वी यू है, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड है, ये अपनी मर्जी से काम नहीं करना चाहते, ओके। तो बचे मेरे पास 90। दोस्तों ये जो 90 है ना, ये जो 90 है, जो 10 को तो भूल जाओ, इन्हें याद ही नहीं रखना, जो 90 है ये मेरा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, ये मेरा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, ओके। जब इन सभी लोगों को काम मिल जाएगा मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट होगी, वो धर 10 के 10 लोग घर बैठे बैठे रहने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज आर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ओके। इसमें से 80 को काम मिला और 10 को काम नहीं मिला, ओके, तो ये एम्प्लॉयड हो गए, और ये 10 इनको काम नहीं मिला, तो दोस्तों ये कौन है? ये इनवॉलेंट्री वाले हैं। ये कौन से हैं? इनवॉलेंट्री वाले, भाई काम नहीं मिला इनको, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई अगर 90 के 90 को काम मिल जाए, क्या बोल रहा है? फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट की डिस्कशन हो रही है ना, फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब सबको काम मिल गया, सबको काम मिल गया, इसका मतलब ये है कि ये जो 10 लोग थे उनको भी काम मिल गया, उनको भी काम मिल गया, जो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड थे, जो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड थे उनको भी काम मिल गया। इसीलिए स्टेटमेंट कह रही है फुल एम्प्लॉयमेंट इंप्लाइज एब्सेंस ऑफ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। यस एग्जैक्टली, अगर सभी लोगों को काम मिला हुआ है तो इसका मतलब यह है कि आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव्ड है, जो आपका इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड थे, जो काम करना चाहते थे काम नहीं मिल रहा था, उनको भी काम मिल गया। सो आर स्टेटमेंट इज ट्रू, यस ऑब्वियसली, कि अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है तो आपकी इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में नहीं है। हाँ, बेशक अगर यहां पे वॉलेंट्री लिखा होता तो हम उसका रिवर्स कर देते, ओके? आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको यहां से हटा देते हैं, थोड़ा हमारा बोर्ड भर गया है, अगले क्वेश्चन के लिए हमें जगह की आवश्यकता है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ डैश कैन नेवर बी नेगेटिव, नेवर बी नेगेटिव व्हाइल डैश कैन हैव द वैल्यू लेस देन 1, ओके। अब ये हॉचपॉच सा मामला कर दिया काफी ज्यादा इन्होंने यहां पे 14th क्वेश्चन में, अभी चारों के पॉइंट हमने ऑलरेडी लिखे थे, ओके। द वैल्यू ऑफ डैश कैन नेवर बी नेगेटिव, कैन नेवर बी नेगेटिव, इसमें से किसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती? हमारे पास दोस्तों 3 पॉइंट है, सॉरी 4 पॉइंट होते हैं, एपीसी, एपीएस, एमपीसी और एमपीएस, ये नेगेटिव हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है, तो सॉरी एपीएस नेगेटिव हो सकता है, एपीएस नेगेटिव हो सकता है, एपीसी, एपी, एमपीसी और एमपीएस, ये मेरे पहले फिल इन द ब्लैंक्स में फिट बैठेंगे, पहले फिल इन द ब्लैंक्स में फिट बैठेंगे, इन तीनों की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, तीनों तो नहीं पुट कर सकते, लेकिन सेकंड वाला हमें हेल्प करेगा ना, क्या है, ठीक है, ओके। तो पहला वाला तो एपीएस तो है ही नहीं, तो अगर किसी ऑप्शन में मेरे पास एपीएस पहले आ रहा है, वो पहला ही पॉइंट है ए, तो उसको तो काट दो, ए पॉइंट को तो काट दो, वो तो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि एपीएस जो है वो नेगेटिव हो सकता है। व्हाइल डैश कैन हैव अ वैल्यू, कैन हैव अ वैल्यू लेस देन 1, लेस देन 1, और ऑब्वियसली जो लेस देन 1 की वैल्यू है यार, वो भी इनकी फिट बैठती है, इन सभी की, ठीक है, कि एपीएस जो है वो आपका 1 से कम हो सकता है, एमपीसी कम हो सकता है, एमपीएस आपका कम हो सकता है। अब मुद्दा मेरे सामने यहां पर ये आता है कि मुझे जो बेस्ट ऑप्शन है वो इसमें सेलेक्ट करना है। दोस्तों बेस्ट ऑप्शन, तीनों फिट बैठ रहे हैं, बी सी और ये आपका डी, तीनों फिट बैठ रहे हैं, लेकिन व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन,
ध्यान दीजिए, एक छोटा सा वर्ड है इसमें, छोटा सा वर्ड है इसमें। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ें सेकंड वाइल के बाद, वाइल डैश कैन, कैन इस वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए, कैन को। कैन हैव अ वैल्यू लेस देन वन। कैन हैव का मतलब ये है, कैन हैव का मतलब ये है कि एक से कम हो सकती है, एक से कम हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है। इसके पास, सेकंड वाले के पास दोनों ऑप्शन आ गए, जो सेकंड वाला पॉइंट है उसके पास दोनों ऑप्शन आ गए कि इसकी वैल्यू एक से कम भी हो सकती है। भी का मतलब क्या है कि एक से ज्यादा भी लेकर चलता है। तो वो कौन है, वो कौन है, वो मेरा एपी सी है, वो मेरा एपी सी है। तो इसको वन कैंसिल हो गया, इसके लिए सुपीरियर क्या है, सेकंड वाला। सुपीरियर क्या है, सेकंड वाला। तो सेकंड में तो दोस्तों मेरा आएगा एपीसी, सेकंड वाले में तो आएगा मेरा एपीसी, और उससे पहले वाले में क्या आएगा, ये दोनों आ सकते हैं, दोनों आ सकते हैं, दोनों की वैल्यू वन से आपका, दोनों की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। लेकिन एपीसी जो जोड़ा है वो किसके साथ बना के बैठा है, ए तो हमने पहले कैंसिल कर दिया था, बी में सेकंड वाले में एपीसी नहीं है, सी में सेकंड वाले में एपीसी नहीं है, डी में इट इज एमपीएस एंड एपीसी। तो पहले वाला हमारा होगा एमपीएस, यस एग्जैक्टली आ रहा है, और ये दूसरा वाला सुपीरियर जो हमारे लिए ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है। ओके, तो ध्यान से क्वेश्चन को करना है। इसमें बी सी और डी तीनों फिट बैठ रहे हैं, तीनों फिट बैठ रहे हैं अगर मैं कैन वर्ड हटा दूं तो, लेकिन उसी से मुझे पता चला कि एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा। ओके, वाइल प्लांट सेविंग्स इज लेस देन प्लांट इन्वेस्टमेंट, इसको रोक देते हैं। मैंने जैसे बोला क्वेश्चन नंबर 10th की तरह इसको भी रोकेंगे, इसके लिए मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्पेशली, जिसमें हम प्लांट वाले क्वेश्चंस जो हैं इक्विलिब्रियम के वही कराऊंगा, 6 मार्कर में वो क्वेश्चन आता है, सो वी विल डिस्कस दैट, इसको तब देखेंगे। ओके, डैश इज रिलेटेड विद एक्सरसाइजिंग डिस्कशन स्पीचेस सर्कुलर्स एज पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, तो मॉनेटरी पॉलिसी बता दिया कि भाई जो हमारा मेजर होता है सेंट्रल बैंक का, ये डिफिशिएंट डिमांड एक्सेस डिमांड में पूछा जाता है, और इंस्ट्रूमेंट बताना है तो इधर इट इज क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव तो यहाँ कहीं से भी नहीं लग रहा है, यहाँ ना बैंक रेट है, ना सीआरआर है, एसएलआर है, कुछ भी नहीं है। तो उसमें अगर हम आए क्वालिटेटिव में, क्वालिटेटिव में पहला होता है पहला होता है आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन। ओके, वो भी यहाँ नहीं है, सिक्योरिटीज की परसेंटेज कुछ भी नहीं है। दूसरा हमारा हो गया आपका डायरेक्ट एक्शन, तो यहां एक्शन लेने के लिए कोई बात नहीं है, फाइन पेनल्टीज नहीं है। राशनिंग ऑफ क्रेडिट, यहां पे इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हो रही है अलग अलग सेक्टर में। द फोर्थ इज मोरल सुएशन, सो द आंसर इज मोरल सुएशन। कैसे, वो बच गया इसलिए नहीं, मोरल सुएशन में यही होता है, जिस तरह से एक टीचर जो है अपने बच्चों को समझा रहा है क्लास में अपनी पॉलिसी बनाने को, पढ़ने को लेकर, तरीके को लेकर, पैटर्न को लेकर, दैट इज मोरल सुएशन। ओके, यही काम सेंट्रल बैंक का होता है कमर्शियल बैंक के साथ, ठीक है, अपने सर्कुलर्स जारी करना, रूल्स को जो उन्होंने नए पैटर्न बनाए हैं उनके बारे में जानकारी देना, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करना। तो ये जो एक तरह से डिस्कशन है आरबीआई और कमर्शियल बैंक के बीच में जो होती है, दैट इज मोरल सुएशन। ओके, सो दैट इज व्हाट, मोरल सुएशन। आगे बढ़ते हैं, ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड सेंट्रल बैंक डैश द मार्जिन, यानी कि मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन की बात हो रही है। दोस्तों डेफिशिएंट डिमांड के केस में हम जानते हैं एग्रीगेट डिमांड कम रह जाती है एग्रीगेट सप्लाई से। ओके, सो हमें एज अ स्टेप, एज अ मेजर एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना पड़ता है। ओके, और इसके लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन को कम करना पड़ेगा, क्योंकि मार्जिन बैंक जितना कम रखेंगे उतना बोरोविंग्स एनकरेज होंगी, बोरोविंग्स बढ़ेंगी मतलब कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा मतलब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। ओके, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिसेशन गवर्नमेंट डिक्रीज द एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वर्क प्रोग्राम। रिसेशन का मतलब भी दोस्तों यही होता है, डेफिशिएंट डिमांड ही होता है, ठीक है। रिसेशन में मतलब बेसिकली प्रोडक्शन का लेवल फॉल होने लग जाता है, एम्प्लॉयमेंट का लेवल फॉल होने लग जाता है। तो गवर्नमेंट को प्रोडक्शन का लेवल बढ़ाना है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है, उसके लिए गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट ज्यादा करनी पड़ेंगी, आपके आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, आपका अदर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, आपका अदर हेल्थ एंड एजुकेशन पे खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, काम मिल सके। तो यहां पे डिक्रीज नहीं, इंक्रीज होगा, फॉल्स आंसर हमारा, गवर्नमेंट हैव टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वर्क प्रोग्राम। पब्लिक वर्क प्रोग्राम मतलब वही हमारा आपका रोड्स बनवानी है, फ्लैट्स बनवाने हैं, रेलवे ट्रैक्स बिछाने हैं, ब्रिजेस बनवाने हैं, कुछ भी एक्टिविटी जिससे लोगों को काम मिले। डेफिशिएंट डिमांड हैज नो इंपैक्ट ऑन द कंट्रीज आउटपुट एंड प्राइस, ट्रू और फॉल्स। ये भी हमारा फॉल्स हुआ, हमारे पास लिस्ट होती है डेफिशिएंट डिमांड की और एक्सेस डिमांड की एज अ पार्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंस। ओके, सबसे पहले आउटपुट,
एम्प्लॉयमेंट, इनकम और प्राइस। तो डेफिशिएंट डिमांड का बिल्कुल सिंपल है, ये सब कम होते हैं एज द पार्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंस, सारे के सारे फॉल होते हैं डेफिशिएंट डिमांड के केस में। लेकिन एक्सेस डिमांड में पहले तीन कॉन्स्टेंट रहेंगे क्योंकि इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर है, प्राइस लेवल बढ़ता है। ओके, यहां पर कह रहा है कि डेफिशिएंट डिमांड है, इसका आउटपुट पर और प्राइस पर कोई असर नहीं पड़ता, डेफिनेटली कम होते हैं। तो आंसर क्या हुआ? फॉल्स। और आप लिखेंगे कि ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड एज ड्यू टू डेफिशिएंट डिमांड एज अ पार्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंस आउटपुट एंड प्राइस बोथ विल डिक्रीज, दोनों में फॉल होता है। एंड द लास्ट इज डेफिशिएट फाइनेंसिंग इज द मेजर ऑफ डैश पॉलिसी, इट इज फिस्कल पॉलिसी। डेफिशिएट फाइनेंसिंग का मतलब इश्यू ऑफ न्यू करेंसी होता है। अब क्योंकि करेंसी सेंट्रल बैंक इशू करता है तो कंफ्यूज नहीं होना है कि कहीं मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आ गया, नहीं। डेफिशिएट फाइनेंसिंग ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट अपना बजट तैयार करके बताती है कि हमें इतने नोट की आवश्यकता है, इतनी नई करेंसी की आवश्यकता है, तो डेफिशिएट फाइनेंसिंग फिस्कल पॉलिसी के अंदर जाएगा। ओके, सो दीज आर सम क्वेश्चन फ्रेंड्स जो आपका इनकम डिटरमिनेशन को लेकर है। होप आपको ये समझ आया, कंटेंट क्लियर हुआ। आप लोगों से गुजारिश है प्रैक्टिस करिएगा, कोई क्वेरी कोई डाउट डेफिनेटली अगर है तो आप उसको पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं कौन सा कंसेप्ट आएगा। दो तीन क्लासेस और हैं, मैंने रिकॉर्ड कर ली उनको अपलोड करके। हाँ, आप लोगों से प्रॉमिस करा गया है कि प्लांट सेविंग और प्लांट इन्वेस्टमेंट वाले क्वेश्चन हम करेंगे, डेफिनेटली एक क्लास उसको लेकर पूरी रिकॉर्ड होने वाली है। ओके, बाकी मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्लास में। प्लीज टेक केयर, थैंक यू।